खबर इस बीच रांची से एक और आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबा साहब अंबेडकर को नमन करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल भी पहुंचे। अंबेडकर चौक पर मौजूद प्रतिमा पर राज्यपाल ने माल्यार्पण किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहे और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची की, ये तस्वीरें सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, आज संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल दोनों इस अंबेडकर चौक पे पहुंचे और यहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया, माल्यार्पण किया। और आप यहां पे देखेंगे कि लगातार जो लोग हैं वो यहां पहुंच रहे हैं और पुष्पांजलि से लेकर माल्यार्पण तक कर रहे हैं। रांची के उपायुक्त से लेकर सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जो संविधान दिवस है, संविधान उसके उस मौके पर प्रेरणा ले रहे हैं कि कैसे संविधान दिवस के मौके पर बाबा साहब के बताए मार्गों पर, आदर्शों पर चलना है। और ये आप ठीक हाईकोर्ट के सामने ये अंबेडकर चौक है और यहाँ पे अभी भी देखेंगे कि लोगों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले ही यहाँ मुख्यमंत्री भी पहुँचे, राज्यपाल भी पहुँचे और माल्यार्पण यहाँ पे किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है। बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने का दावा तो सभी करते हैं, लेकिन इसको लेकर जो राजनीति भी होती है उसको लेकर भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे। झारखंड में कितना प्रभावी है ये? बिल्कुल, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में निश्चित तौर पे ये कोशिश है कि जो सामाजिक ताना बाना है उसके अनुरूप सरकार भी काम करे, आम लोगों की भी भागीदारी हो और उसी के अनुरूप आप यहाँ पे देखेंगे तो चाहे वो आम लोग हो या खास लोग हो, भारतीय संविधान दिवस के मौके पर भीम बाबा साहब के बताए मार्गों पर चढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। ये बताइए, आज संविधान दिवस है, आप लोग किस रूप में प्रेरणा लेते हैं? ये शंभू बाबू, इनक ये प्रेरणा दलितों और सभी वर्गों के उत्थान के लिए, जो बाबा साहब के जितना भी कम बोला जाए वो बहुत कम है। और ये हमने राज्यपाल माननीय महोदय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी आए थे और हम लोग ने अपेक्षा रखे थे कर्मचारी संघ की ओर से, जिस तरह से हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब का प्रतिमा लगा है, विधानसभा में और नया वाला हाई कोर्ट के भवन के सामने भी बाबा साहब के प्रतिमा लगना चाहिए। और कर्मचारी संघ के ये अलग से सब वर्षों से करते आ रहा है, जो कि ये फाउंडर हैं शंभू बाबू। बिल्कुल, देखिए ये संविधान दिवस के मौके पे आज एक तरह से कहें तो यहाँ पे मेला की तरह आयोजन हो रहा है, लोग जो है लगातार वो यहाँ पहुँच रहे हैं और कोशिश है उनकी कि आज बाबा साहब के मार्गों पर कैसे आप लोग चलने की प्रेरणा ले रहे हैं। ऐसा है कि कर्मचारी संघ की ओर से हम इसके संरक्षक रहे हैं और हम अपने फाउंडर मेंबर के साथ साथ इसके प्रेसिडेंट हैं। 95 में 8 अप्रैल को डॉक्टर के आर नायनानन साहब से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी यहां पहुंच चुके हैं और मंत्री बादल भी यहां पहुंचे हुए। सर, आज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बाबा साहब के संविधान दिवस के इस मौके पर? देखिए आज तो बहुत एक महत्वपूर्ण मंत्री बादल पत्र लेख दे के भी उपस्थित हो चुका है, उन्हें भी हार्दिक स्वागत करते हैं। बड़े भाई आप वरिष्ठ नेता सबसे राम जी को अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। सबसे पहले तो उनको हम नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। और आज जी को भी इस देश के हिंदुस्तान को एकीकृत करने के लिए जो संविधान में उन्होंने रचाया, अकल्पनीय है। इस देश में हर तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के मजहब के लोग रहते हैं, तरह तरह भाषा के बोलते हैं, लेकिन संविधान में इस तरह उसको निपटाया कि हम एक भारतीय रहकर इस देश की उनका अच्छा मार्ग ले जाने के हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं इस बात को भी जोड़ देते हैं कि
आज भारत के संविधान जो है दुनिया में जाना जाते हैं, और संविधान को लेकर अगर हम चलते हैं तो देश आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। बादल जी क्या कहेंगे आज संविधान दिवस पे, किस तरह की प्रेरणा ले रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग संकल्प लें कि बाबा साहब के रास्ते पर सभी युवा चलें, इनके मार्गदर्शन में ही देश की, समाज की, मानवता की उन्नति संभव है। हम सत सत नमन करते हैं और बाबा साहब को हमेशा दिलों में, हम सब के मन में जो छाए रहते हैं, इनका चरण स्पर्श करने के लिए हम लोग सब पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल सब लोग चरण स्पर्श करने पहुंचे। आप एक बार फिर आपको दिखाते हैं, चाहे वो मंत्री आलमगीर आलम हो या फिर कृषि मंत्री बादल हो, सभी लोग यहां पहुंचे हुए हैं और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि माल्यार्पण करके इनके बताए हुए मार्गों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। तो आज के हिसाब से अगर कहें तो आज का दिन बहुत ही खास हो जाता है, और ये आप तस्वीर देखेंगे, चाहे वो आम लोग हों, खास हों, सबसे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पहुँचे और फिर मंत्रीगण पहुँच रहे हैं, आम लोग पहुँच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप यहाँ पे देखेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से लेकर कृषि मंत्री तक सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और बाबा साहब की जो ये प्रतिमा है वहाँ पे माल्यार्पण कर रहे हैं। और संविधान दिवस के तौर पे जिस तरह से जाना जाता है, बाबा साहब की जयंती को लोग मनाते हैं, उसके अनुरूप यहाँ पे बातचीत के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।